मंगलवार को पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिन के मुबारक मौके पर कोसी में धूमधाम से जुलूस निकाला गया, जिसमें मुस्लिम समुदाय के लोग अपने नबी के जन्मदिन पर खुशी में जगह जगह मिष्ठान वितरण कर खुशी जाहिर कर रहे थे। लोगों ने हाथों में हरे झंडे लेकर खुशी जाहिर की, जिसमें हजारों लोग मौजूद रहे। कोसी कला में जुलूसे मोहम्मदी मदीना मस्जिद से शुरू होकर नगर भ्रमण करते हुए निकासा पहुंचा, जिसमें हजारों की संख्या में मुस्लिम समाज के लोग खुशी जाहिर करते हुए चल रहे थे। जुलूस में घंटागढ़ सब्जी मंडी में मिष्ठान वितरण कर खुशी जाहिर की। वहीं समाज के इस्लाम ठेकेदार ने जानकारी देते हुए बताया कि नबी का जन्म आज के दिन हुआ था, जिसे जुलूस के रूप में सवारियां निकाल कर मनाया जाता है, जिसमें समाज के लोग अपने अपने वाहनों को सजाकर हाथों में झंडे लेकर खुशी जाहिर करते हैं एवं समाज के संभ्रांत नागरिक स्थान स्थान पर जुलूस का स्वागत करते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से क्षेत्राधिकारी वरुण कुमार एवं उप जिलाधिकारी हनुमान प्रसाद मौर्य, थाना प्रभारी संजीव कुमार त्यागी, कस्बा प्रभारी मनिंदर सिंह पुलिस बल के साथ चल रहे थे। जुलूस में शाहिद कुरैशी, इस्लाम खान, मोहसिन रहीस, जुबेर आदि हजारों लोग मौजूद थे। जानकारी देते हुए हाजी इमरान कादरी अंसारी ने ये बताया। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की खुशी में निकाला जाता है। ये जुलूस मोहम्मदी आपकी कोसी में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के कोने कोने में निकाला जाता है आज के दिन, क्योंकि आज के दिन हमारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा पैदा हुए। अल्लाह के नबी इस दुनिया में तशरीफ़ लाए और अल्लाह ताला ने अपने नबी को रहमतुल आलमीन बनाकर इस दुनिया में भेजा। सारी कौमों के लिए रहमत हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पूरी दुनिया के लिए रहमत हैं, इंसानों के लिए रहमत हैं, जन्नतों के लिए रहमत हैं और पूरी दुनिया के चरिंद परिंदों के लिए रहमत हैं। हमारे आका ना होते तो कुछ भी ना होता, ये ज़मीन ना होती, आसमान ना होता, चांद ना होता, सितारे ना होते, ये कहकशां ना होती, ये बागात ना होते, ये मकानात ना होते, ये दुकानें ना होती, ना हम होते ना आप होते। ये सब मेरे आका के दम कदम की बरकत है जो आज पूरी दुनिया जगमग जगमग है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ कुरान में भी है, पूरा कुरान ही हुजूर की तारीफ़ है और पूरा कुरान हुजूर के ऊपर ही नाजिल हुआ है। अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता है, वमा अरसलनाक इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ महबूब, अगर आपको पैदा करना मकसद ना होता तो मैं किसी भी चीज़ को पैदा ना करता। और अल्लाह ने इरशाद फरमाया जो मैंने आयत मुबारक पढ़ी, वमा अरसलनाक इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ महबूब, हमने आपको सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर भेज दिया। मेरे प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, आज कोसी की सरजमीन पर फिर शासन की इजाज़त से और शासन की इजाज़त से जो जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाला गया, मैं सभी लोगों को, पूरे हिंदुस्तान के लोगों को, पूरी दुनिया के लोगों को तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। कमेटी वालों की तरफ से भी और मसलक अहले सुन्नत के उलमा की तरफ से भी और मसलक आला हजरत की तहरीक दावत इस्लामी की जानिब से भी।